हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू रैप राइट्स इन 7 स्टेप्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको रैप लिखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 7 स्टेप्स के बारे में। इसके अंदर हम सबसे पहला स्टेप वो लेते हैं, कोई भी सॉन्ग बनाने के लिए आपको एक आइडिया चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। उस आइडिया को लेने के लिए आपको अपने आस पास कुछ ढूंढना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि मुझे आइडिया नहीं मिल रहा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर रैप परफॉर्म करूँ। अगर आइडिया मिल भी जाता है तो उनको उसके अंदर से एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती कि मैं उसके अंदर लिखूं क्या, ऐसा क्या लिखूं जिससे लोगों को एक मेंशन हो सके कि मैं भी ऐसा सोचता हूं और आप भी ऐसा सोचते हो। तो इसके लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। पर एक बात आ जाती है यहाँ इंस्पिरेशन की, बुक्स पढ़ने से भी कई बार वो चीजें पता नहीं चल पाती है। तो इसका सबसे एक आसान आंसर ये है कि जो भी आप वीडियो को आप देखने वाले हो किसी चीज को महसूस करने के लिए, उसके टाइटल को आप पढ़ो, सिर्फ उस टाइटल को आप हेडिंग में लो और उस इंस्पिरेशन की वीडियो के लास्ट के मोरल को पकड़ो। यानी कि आपको बीच में नहीं ज्यादा पढ़ना या बीच में उस स्टोरी पे नहीं आना, यानी कि उसका जो लास्ट कंक्लूजन निकल के आ रहा है ना, उस इंस्पिरेशन को पकड़ो और उस टाइटल को पकड़ो। बस उन दो चीजों से आप पूरी की पूरी स्टोरी को बना सकते हो, क्योंकि ये स्टोरी बनाने के लिए आपको अपने अंदर के एक एहसास को जगाना पड़ेगा। बाकी आइडियाज आपको बुक्स से, वीडियो से या कहीं से भी आप ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये दो चीजें आपको चाहिए और आप अपने फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं 2nd स्टेप्स के बारे में। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर देखना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेरी आवाज के साथ मैच करेगा। इस मैच करने के लिए स्ट्रक्चर आपको कैसे ढूंढना है कि आप जब रैप लिख रहे हो ना, उसके अंदर आपको देखना है कि आपकी एक लाइन के अंदर 7 अक्षर आ रहे हैं या आपकी लाइंस के अंदर 12 अक्षर आ रहे हैं। अब 7 से 12 का जो स्ट्रक्चर है ना, ये होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। कई लोग बोलते हैं कि मैं एक बीट के अंदर लगभग 12 वर्ड्स यूज कर लेता हूं, कोई बोलता है कि मैं 7 यूज करता हूं। इसका सिर्फ स्ट्रक्चर ये है कि 7 अगर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा एक सैडनेस में आ जाता है, समझ रहे हो, थोड़ा सा कम शब्द आते हैं उसके अंदर। अगर आप फास्ट रैप करना चाह रहे हो तो आप आ जाते हो 12 वर्ड्स के अंदर। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का BPM यूज करते हो। तो उस BPM को यूज करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर का यूज लेना पड़ेगा, या एफएल स्टूडियो, या आप नेट के ऊपर भी बीट्स का यूज ले सकते हो अपने इस सॉन्ग को बनाने के लिए, जहां से आपको ये आइडिया मिलेगा कि आप कितनी स्पीड के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं 3rd स्टेप्स के बारे में। इस स्टेप्स के अंदर हमें क्या करना है कि जो आपने बीट या जो भी आपने एक रिदम स्ट्रक्चर यूज करना है, उसके अंदर आपको बार्स टू बार्स ही काम करना है। आप बात ये लिख लेना, बार्स टू बार्स का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया है कि 4 लाइंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से आप जब लिखोगे तो आपको मान लो एक स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि आपको 3 मिनट का गाना बनाने के लिए आपके पास लाइन होगी कम से कम 32 या 40 लाइनें। तो अब आप क्या करोगे, इन 40 लाइनों के दायरे में नहीं आपको रहना, आपको चुपचाप लिखते रहना है, लिखते रहना है। तो उसमें से जब आप कटिंग्स करोगे तब आपको बेस्ट से बेस्ट बार्स यूज करने हैं। तो उसके अंदर जो हमारी 4-4 लाइनों का बार्स आएगा, उसके अंदर लाइंस को ऊपर नीचे बिठा बिठा कर आपको देखना है कि उसमें कैसे सेट होगा। अगर कुछ लाइंस आपकी सेट नहीं होती है तो किसी लाइन के बाद पर लगा देना, कि यानी कि पर, लेकिन, जैसे, क्योंकि, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइंस को जोड़ सकते हैं और उसके अंदर वेरिएशंस और कंपैरिजन तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी पंचलाइन जैसा कुछ टेस्ट तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं 4th स्टेप्स के बारे में। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितना भी रैप आपने परफॉर्म किया है उसके अंदर आपको रीराइट करना है। रीराइट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गाना आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना नहीं है, जितना आपने काम किया है ना उसी को जस्ट रीराइट करना है एक अलग पेपर पे, जहां पे आपको साफ सफाई से वो चीज दिखाई दे कि अब मैंने जितनी कोरेक्शंस की थी अब उसमें से मुझे क्या क्या रखना है। उसके बाद आपको देखना है बीट के ऊपर परफॉर्म करके कि मैं कितना बेस्ट काम कर पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वो फील आ रही है तो समझो डन है, अगर फील नहीं आ रही है तो किसी पार्ट के अंदर आपको करेक्शंस करनी पड़ेगी और दोबारा से आपको परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। 5th स्टेप्स के अंदर आ जाते हैं। 5th स्टेप्स के अंदर आपको रैप जो भी आपने लिखा है आपको मुंह के अंदर नहीं गुनगुनाना,
कई लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं और हल्के हल्के आवाज के अंदर रैप परफॉर्म करते हैं, और जब बीट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं माइक पर आकर, तब उनसे ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि आपको अपने रैप को लाउड परफॉर्म करना है, यानी कि एक खाली रूम के अंदर जितना हो सकता है अच्छे ढंग से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको चीखना है, आपको एक लाउड परफॉर्म करना है ताकि वो लिरिक्स आपको अच्छे से मुंह के ऊपर चढ़ जाए और आपकी जो जीभ है वो अच्छे ढंग से खुल पाए, ताकि आप जब बीट के ऊपर परफॉर्म करो तो आपका ऐसा ना हो कि कोई भी शब्द मंबल में आ जाए या कोई भी शब्द अधूरा रह जाए। तो इस कारण से आपको जब एक लाउडनेस, जब आप लाउडनेस करोगे तो लाउड के अंदर आपको एक सांस का भी पता लगेगा कि मैं कितनी देर तक अपना स्टैमिना को मेंटेन कर सकता हूं। अब बात करते हैं सिक्स्थ स्टेप्स के अंदर। जितना भी आपने लाउड परफॉर्म किया था ना, वो खासकर आपके इसलिए भी काम आएगा क्योंकि आप अपने रैप को मेमोराइज कर रहे हो। जब आप परफॉर्म करने लग जाते हो ना, लाउड बोलना शुरू कर देते हो, तो बीट्स के अंदर जितना भी फ्लो बार सब कुछ आ रहा होता है ना, सब कुछ आपको पता लगने लग जाता है। यानी कि आप फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि जब आप कभी स्टेज के ऊपर भी परफॉर्म करोगे ना, तो आपको ये बात पता रहेगी कि मेरे को सब कुछ लाइनें कैसे कैसे परफॉर्म करना है। यानी कि पूरा का पूरा जो आप शीट तैयार कर रहे हो ना, वो पूरी की पूरी आपकी आंखों में आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे अब इतनी दूरी के अंदर ये परफॉर्म करना है और बस 2 सेकंड 4 सेकंड और रह गया है और मुझे उसे कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने रैप को मेमोराइज कर सकते हो और अच्छे ढंग से लोगों के सामने पेश कर सकते हो। एक बार अच्छे ढंग से याद हो जाता है ना लिरिक्स, तो आप आंख बंद करके परफॉर्म कर सकते हो और जहां मर्जी आपको परफॉर्म करना पड़े, आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि आप पूरा खुल के अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 7th स्टेप्स के अंदर। इसके अंदर आपने जितना भी रैप परफॉर्म किया, जितना भी रैप लाउड किया, जितने भी बार्स आपने बनाए, सभी आपको शेयर करने हैं। अब आप सोचोगे कि यार, मैं गाना बनाने से पहले शेयर क्यों करूं? पर देखो दोस्त, आपको थोड़ा सा पार्ट तो कुछ निकाल कर शेयर करना ही पड़ेगा। हालांकि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 4 से 8 लाइनें अपने आसपास के दोस्तों में जरूर सुनाए। बिना सुनाए अपने गाने को रिलीज ना करें। क्या पता आप गलत हो, क्या पता आप किसी को सुनाने जा रहे हो, क्या पता वो आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है, या आप उसके टेस्ट को समझ सकते हो कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो कि दूसरा डिमांड क्या कर रहा है। तो इस तरह से आपके जब सॉन्ग रिलीज होने से पहले या सॉन्ग बनाने से पहले जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो अपने सॉन्ग के ऊपर या किसी भी स्टूडियो में जाने वाले हो, तो आपको ये बात पता रहेगी कि मुझे ये चीज ठीक करके जाना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपके पैसे लगने वाले हैं, आप वीडियोस बनाने वाले हो, तो वो चीज आपकी गलत ना हो। कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपके अंदर की कमी क्या है, चाहे दूसरे लोगों को ये चीज अच्छी लगे या ना लगे, तो वो फायदा आपको आने वाले समय के अंदर देगी और आप अपने आप में बेटर से बेटर होते जाओगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं 7 स्टेप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज रिपीट करके देख लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं और भी चीजें लेके आऊंगा, और आपने क्वेश्चंस कमेंट में बताएं ताकि मैं और वीडियोस अच्छे ढंग से बना पाऊं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।